हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई वेलकम यू ऑल एट माई इंग्लिश न्यूज़ पेपर सेसन सो लेट्स गेट स्टार्टेड टूडेज़ न्यूज़ पेपर एंड द न्यूज़ पेपर वी हैव टेकन फॉर द डिस्कशन दैट इज़ हिंदुस्तान टाइम्स तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ पेपर तो पहली न्यूज़ हमारी फिर से एक बार जुड़ी हुई है कि से जो फॉर्मर्स हैं और उसमें ये बोला गया है इस आज ये बोला गया है कि नॉट टुडे मीन्स एस ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सरकार को कि पुट फॉर्म लॉज ऑन होल्ड और वी विल सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सर, सरकार को ये बताया है कि जो केंद्र सरकार है उसको ये बताया है कि जो फॉर्म लॉज हैं जो थ्री ज तीन कानून हैं जो कृषि को लेकर उनको क्या होल्ड पर रखो उनको मीन्स क्या करो हटाओ या फिर उनको रोको नहीं तो फिर क्या करेंगे अगर आप नहीं करोगे तो क्या करेंगे हम यानी कि सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर बैन लगा देगा ऐसा उसने बोला है तो साथ में कई सारे रिएक्शंस भी आए हैं उन रिएक्शन में जो सरकार का रिएक्शन है वो ये ये बोला गया कि रिपील डिमांड नॉट जस्टिफाइड सेज सेंटर इन इट्स एफिडेविट्स सेंटर ने अपनी एफिडेविट में ये बोला है कि जो रिपील की डिमांड है कि मतलब ये जो थ्री फॉर्म लॉज इनको हटा दिया जाए ये डिमांड जस्टिफाइड नहीं है न्यायसंगत नहीं है तो इस वजह से इस वजह से ये चांसेस हैं कि हो सकता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ मीन्स करे हो सकता है कि बात ना माने या कोई और प्रॉब्लम वहाँ पर रख के अपनी बात को रखे ये, ये भी हो सकता है तो कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि या तो आप हटा लो नहीं तो फिर उनके ऊपर रोक लगा दो नहीं तो फिर हम लगा देंगे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है तो एज वी नो कि इंडिया हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हर एक मीन्स के ऊपर कुछ ना कुछ रहता है तो एक तो हमारा आ, अगर लेजिस्चर है दूसरा हमारा जो मीन्स एग्जीक्यूटिव है थर्ड वन हमारा जो जिसको हम जुडिशरी मानते हैं जो सबके ऊपर रूल करती है तो जुडिशरी सबके ऊपर निर्णय लेती है नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ गवर्नमेंट बैंस सेल ऑफ पैकेज टू चिकन फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली कि जो आपका बर्ड फ्लू है एवियन जो फ्लू है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो दिल्ली सरकार ने ये किया है कि जो दिल्ली के बाहर से पैक्ड चिकन आता है उसके ऊपर बैन लगा दिया है और कल हमने ये भी देखा था कि जो कानपुर है एक और न्यूज़ आई कि कानपुर में जो चिड़ियाघर है उसके सारे के सारे जो बर्ड्स हैं उनको क्या किया जाएगा मारा जाएगा बिकॉज ऑफ दिस बर्ड फ्लू की वजह से तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है दैट इज़ अगेन मीन्स नॉट अगेन इंडिया बाइस इलेवन मिलियन वायल्स फ्रॉम सिरमेट टू रुपीज टू हंड्रेड एच तो इंडिया ने क्या क्या खरीदा है 11 मिलियन अगर आप टेन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैक्स में चेंज हो जाएगा तो 110 लाख मतलब एक करोड़ दस लाख क्या कि जो वायल्स यहाँ पर लिखा हुआ वाइल्स का मतलब शीशी होता है यहाँ पर एक वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो वैक्सीन की जो शीशियाँ हैं मीन्स जो डोजेज हैं कितने में ग्यारह मिलियन इन्होंने खरीदी कितने में एक दो की एक और किससे सीरम और सीरम ये किसको बता रहे हैं जो एस ये आपके जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनिका वैक्सीन है उसको उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से खरीदा है क्योंकि ये जो एस्ट्राजेनिका है आ, कहने का मतलब है इसको इंडियन वर्जन के रूप में बनाया गया है उस तो वो खरीदी गई सरकार ने खरीदा है पहले जो प्रोग्राम चलाया जाएगा वैक्सीनेशन का उसके लिए और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी बॉर्डर से रिलेटेड है तो जो हमारा एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसी से जुड़ी हुई है तो उसमें ये बोला गया कि चाइना मूव्स बैक टेन थाउजेंड ट्रूप्स फ्राम लद्दाख थिएटर की जो लद्दाख वाला हमारा एरिया था बॉर्डर वाला वहाँ से चाइना ने क्या किया है कि दस हज़ार अपने सैनिकों जो ट्रूप्स हैं है ना ट्रूप्स को वहाँ से वापस अंदर की तरफ बुलाया है ये दोनों का ऑफिशियल न्यूज़ है कि दोनों ऑफिशियल्स ने यही कहा है कि इंडिया और चाइना के ऑफिशियल्स ने ये न्यूज़ दी है नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ ये बोल ये भी बॉर्डर से ही जुड़ी हुई है जिसमें ये बोला गया जो जब ये इस, स्टार्ट हुआ था स्ट्रगल दोनों के बीच में बॉर्डर को लेकर के चाइना और इंडिया के बीच में तो उसमें एक बहुत बड़ी झड़प हुई थी स्कर्म शो था उस टाइम पर कि बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे तो उसी में बिहार रेजिमेंट के आ, जो टू इंडियन आर्मी ऑफिसर्स थे ऑफिसर रैंक के वो भी जिसमें से कर्नल आपके बी संतोष बाबू भी शामिल थे तो उनकी भी वहाँ पर डेथ हुई थी तो उन्हीं के लिए ये बोला गया कि पोस्ट ह्यूमस पोस्ट का जो होता है पोस्ट का मतलब बाद में और ह्यूमस का मतलब यहाँ डेथ से रिलेटेड है तो मतलब मरने के बाद मत के उपरान्त आरडे का मतलब रिपब्लिक डे हॉनर ऑफ गलवान हीरोज जो गलवान में <coughs> सोल्जर्स की कई सारे सोल्जर्स की जो डेथ हुई थी उनको क्या मीन्स गलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा इस रिपब्लिक डे पर और एक न्यूज़ और है कि सभी जानते हैं कि रिपब्लिक डे के जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो जॉर्ज बॉन्सन थे मीन्स यूनाइटेड किंगडम के जो प्रेस सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे वो थे तो वो उन्होंने इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया था उन्होंने मना कर दिया था इसलिए क्योंकि जो नया कोरोना का स्ट्रेन आया था उसकी वजह से तो इस बार रिपब्लिक डे पर कोई हमारा चीफ़ गेस्ट नहीं रहेगा ये कितने सालों में हो रहा है चौवन साल में 54 इयर्स में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ के कोई चीफ गेस्ट नहीं रहेगा नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कि एक जो यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है श्रीपद नाइक उनके डेथ सॉरी सॉरी फॉर दैट है ना उनकी जो वाइफ हैं और जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे उन दोनों की क्या हुई डेथ हो गई है है ना सकम टू इंजरीज तो ये लौट रहे थे अपने स्टेट को वापस तो उसी बीच में इनका एक्सीडेंट हुआ है तो मीन्स इनको चोट लगी है इनकी वाइफ और इनका जो पर्सनल सेक्रेटरी था उनकी डेथ हुई है नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है जो क्रिकेट से है मीन्स तेज तरह जो हमारे बैट्समैन है है ना एक्सप्लोसिव बैट्समैन जिसको नाम दिया जाता है तो विराट और अनुष्का दोनों ने क्या हुआ कि मीन्स बोथ ऑफ दम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल है ना कि दोनों लोगों को एक लड़की हुई है लक्ष्मी जी उनके घर आई हैं तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है हमारी जो जुड़ी हुई है किससे कि ऑल वुमेन वु, वुमेन्स टीम पायलट्स एयर इंडियाज लॉन्गेस्ट डायरेक्ट फ्लाइट कहने का मतलब ये है कि इन अ फर्स्ट एयर India's लॉन्गेस्ट direct डायरेक्ट रूट फ्लाइट विद ऑल विद एंड ऑल वमेन पूरी की पूरी टीम जो थी वो सारे की किससे जुड़ी मीन्स सारे के सारे उसमें वेमन क्रू मेम्बर्स थे उन्होंने क्या लीड किया और ये वापस आए है ना और कितनी दूरी तय की इन्होंने इन्होंने डिस्टेंस जो कवर की सिक्सटीन थाउजेंड किलोमीटर्स के डिस्टेंस को इन्होंने कवर किया है और वहाँ पर कोई टीम में कोई मैन नहीं था कोई भी मैन नहीं था नेक्स्ट है एम पीज़ टू गेट डिजिटल कॉपीज़ ऑफ़ बजट भाई इन्होंने नया एक प्लेटफॉर्म एक तरह से नया एक इनिशिएटिव है लोग सरकारें जो हमारी हैं राज्य सरकार उनको भी इनसे सीख लेनी चाहिए कि बोला गया है कि एमपी में मध्य प्रदेश में जो बजट्स आ रहा है बजट की जो कॉपीज़ मिलेंगी वो डिजिटल फॉर्म में मिलेंगी ना कि पेपर्स में तो ये भी काफ़ी अच्छा है कि फ़ायदा हो रहा है कि मीन्स डिजिटलाइज हो रहे हैं तो पेड़ वगैरह बच जाएंगे. है ना हमारे इको फ्रेंडली है नेक्स्ट है कि जो हेरिटेज पैनल्स नोड टू न्यू पार्ल कॉम्प्लेक्स ये जो हमारी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है सेंट्रल पार्लियामेंट जो कॉम्प्लेक्स है है ना कि जो पूरा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो उसके तहत जो बनने वाला था मीन्स वहाँ पर पार्ल कॉम्प्लेक्स बनने वाला था तो उसके लिए हेरिटेज पैनल की जो नोड यानी कि हामी मिल गई है और हम ही कुछ दिन पहले भी आया कि सर जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने भी क्या कर दिया नोट मीन उसने भी हामी भर दी है कि क्या कर सकते हैं बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट कर सकते हैं फिर से वहां पर बिल्डिंग बनाई जा सकती है तो ये थी हमारी मीन्स आज के न्यूज नाउ वी आर गोइंग फॉर एज यूजल दैट इज आवर डिस्कशन मीन्स एनालिसिस न्यूज पेपर एनालिसिस तो पहले पढ़ेंगे लास्ट में देखेंगे कि क्या निकलेगा तो जो हमारा आज जो का जो डिस्कशन का वो हमने थोड़ा सा अलग लिया हुआ है और अलग क्या है आज हमारा क्रिकेट से जुड़ा हुआ है तो जैसा हम रोज़ क्या करते हैं अलग अलग तरह से अलग अलग फील्ड से मीन्स वैराइटी ऑफ मीन्स एक डाइवर्सिटी हमारी स्टडी में आए मीन्स हम अलग अलग तरह से पढ़ें तो उन सब के लिए हमने ये सेलेक्ट किया तो चलिए शुरू करते हैं इन सिडनी बना ड्रॉ वीन कि सिडनी की बात कर रहे हैं जो हमारा कल मैच हो कल फिफ्थ डे था टेस्ट में जो इंडियन टीम ने खेला मीन्स सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ फना ड्रॉ वॉज वीन तो उसमें यह हुआ कि मैच जीता तो नहीं गया ना ही हारा गया क्या हो गया ड्रॉ हो गया तो कभी कभी जो ड्रॉ होता है वो विन से विजय से विक्ट्री से बहुत बड़ा होता है तो उन्हीं को लेकर के बोला गया वना ड्रॉ वॉज विन जब एक ड्रॉ जो है उसको जीता गया कहने का मतलब कल यही चांसेस किए जा रहे थे कि हारने की बजाय अगर मैच ड्रॉ हो जाए तो इंडिया के लिए बेहतर रहेगा एक एक ऑप्शन और बचा रहेगा फाइनल मैच के लिए तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहीं और कैसे काफ़ी कल अच्छा परफॉर्मेंस रही कि, कि सबकी सबको लगभग इंजरीज ज़्यादातर इंजरीज थी सबको चोट भी लगी हुई थी साथ में जो हमारे अच्छे प्लेयर्स थे वो इसमें खेल भी नहीं रहे थे है ना तो हमारे जो एक्सप्लोजिव बैट्समैन है वो भी वहाँ पर नहीं थे और कई सारे बॉलर्स भी हमारे वहाँ नहीं थे तो उन्हीं को लेकर के बोला गया देर इज़ अ देर इज़ दैट ओल्ड जोक अबाउट क्रिकेट टेस्ट है ना जो सॉरी टेस्ट क्रिकेट एक पुराना जोक है किसको लेकर के टेस्ट क्रिकेट को लेकर के टेस्ट क्रिकेट को लेकर के? ले के क्या जोक है हाउ कैन टू टीम्स प्ले अ गेम ओवर फाइव डेज एंड स्टिल नॉट हैव अ विनर ये कहना चाह रहे हैं कि एक टेस्ट क्रिकेट के लिए एक जोक पुराना जोक मारा जाता है ये कि, कि ऐस, कैसे ऐसा हो सकता है कि दो टीमें हैं पाँच दिन से ज़्यादा दिन पाँच से आ, जो पाँच से ज़्यादा दिनों तक ये गेम खेला जाए और कोई विनर ना हो उसमें कहने का मतलब पाँच दिन से ज़्यादा गेम चलेगा और विनर है ही नहीं वहाँ पर तो ये एक बड़ा पुराना जोक मारा जाता है इसको लेकर के टेस्ट क्रिकेट को लेकर के तो अब अ कॉमन रिजॉइंटर रिजॉइंटर का मतलब जो कॉमन एक आंसर जब आता है वो यही आता है बिकॉज समटाइम्स ड्रॉ इज़ बेटर दैन विन तो कभी कभी क्या होता है जो ड्रॉ होना मैच का ड्रॉ हो जाना कभी कभी क्या होता है बेहतर होता है किसे एक विक्ट्री से विन से अब ऐसा क्यों बोला गया कि एट द सिडनी ग्राउंड क्रिकेट क्रिकेट ग्राउंड ऑन जनवरी 11 इंडिया मेड द मीन्स पिथी पिथी का मतलब पिथी आप बोल सकते हो जो सारगर्भित हो सारगर्भित का मतलब सारगर्भित का मतलब जो ये कहावत थी एकदम क्या हो गई फिट बैठी सेइंग कम अलाइव इनिट्स फुल पूरी तरह से क्या हुई ये फिट बैठ गई है ना कहने का मतलब ये बोला गया था कि कभी कभी क्या होता है ड्रॉ होना विक्ट्री होने से बहुत बड़ा होता है ये बोला गया तो ये कल जो कहावत है जो जोक था कल फिट बैठ गया और फुल मीन्स अलाइव इनिट्स फुल कॉम्बैटिव मतलब एकदम जुझारूपन से स्ट्रगल करते हुए ट्रवुलेंट कि माहौल बड़ा ख़राब था फिर भी ठीक है क्या हुआ अगला जो हमारा है बिगलिंग है ना बिगलिंग का मतलब क्या होता है कि बिगलिंग का आप बोल सकते हो आश सॉरी आकर्षण आकर्षक रूप से कहने का मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव रूप से स्पेक्टैकुलर टाइप में है ना जो ग्लोरी था उसको हमने कल देखा हमको देखने को मिला नेक्स्ट चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट पैरा से तो नेक्स्ट पैरा में ये बोला गया कि एवरीथिंग वाज स्टैक्ड अगेन अगेंस्ट अजिंक रहाने स्टीम एट द बैंगनिंग ऑफ दिस मैच कहने का मतलब ये कह रहा कह रहे हैं कि इंडियन टीम के स्टार्टिंग से ही क्या हुआ कि सारी चीज़ें इनकी अगेंस्ट में सब कुछ अगेंस्ट में ढेर लगा हुआ था सब कुछ अगेंस्ट में खड़ा हुआ था है ना फिर भी क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलियास फैसिलिटी विद their होम कंडीशंस की पहली चीज़ तो यही थी कि ऑस्ट्रेलिया अपने होम लैंड पर था तो आप कहीं भी हो अगर आप अपने होम लैंड पर हो तो चांसेस आपके जीतने के बहुत ज़्यादा होते क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लेवल काफ़ी अच्छा होता है और दूसरा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ऑस्ट्रेलिया अपने टीम के अपने वहाँ थी घर पर ही घरेलू मैच खेल रही थी द एबसेंस ऑफ रेगुलर कैप्टन दूसरी प्रॉब्लम इंडिया के लिए ये कि रेगुलर कैप्टन इंडिया के नहीं थे टीम्स मोस्ट एक्सप्लोसिव बैट्समैन जो इंडिया के इंडियन टीम के मोस्ट एक्सप्लोसिव बहुत तेज़ी से खेलते हैं विराट कोहली वो नहीं थे एंड नॉट वन नॉट टू बट थ्री फ्रंट लाइन फ्रंट लाइन एकदम महत्वपूर्ण जो फ्रंट लाइन पर सामने आकर खेलते हैं सामने जो सामने वाले हमारे मेन बॉलर्स थे एबसेंट विद इंजरीज एंड रिप्लेस्ड बाई डेव्यूट एंड है कहने का मतलब ये है कि ये एक तो ऑस्ट्रेलिया अपने होमलैंड पर खेल रहा था दूसरा हमारे जो एक्सप्लोसिव बैट्समैन थे वो नहीं थे विराट कोहली नहीं थे रेगुलर कैप्टन वो नहीं थे और एक नहीं एक नहीं दो नहीं तीन तीन, तीन हमारे जो फ्रंट लाइन बॉलर्स थे वो भी एब्सेंट थे उनको इंजरीज थी और उन्होंने वो रिप्लेस किए गए किससे डेब्यूटेंट से जो जिनका पहला एक क्रिकेट मैच क्रिकेट टेस्ट मैच था है ना उन्होंने यहाँ आकर के खेला एंड अनदर हु मेड हिज डेब्यूटेंट इन द प्रीवियस मैच ऑफ द टूर कि कहने का मतलब है और एक जो दूसरे डेब्यूटेंट आए है ना जो प्रथा डेब्यूट डेब्यूट का मतलब क्या होता है कि जो पहली बार उसमें प्रवेश लेता है और खेलता है उसी को डेब्यूट बोलते हैं तो डे तो वही बोल रहे हैं कि जो डेब्यूटेंट हैं है ना कि अनदर हु मेड हिज डेब्यू डेब्यू इन द प्रीवियस मैच ऑफ द टूर है ना कि जो पहले वाले मैच में एक ने डेब्यू किया देर वॉज मोर एग्नी मतलब दुख था थ्रू द मैच मतलब पूरे के पूरे मैच में का एक दुख, बड़ा मीन्स एक और दुख था बहुत ही ज़्यादा दुख था है ना अ डिसलोकेटेड थम्ब फॉर रविंद्र जडेजा आफ्टर बींग हिट बाई मिचल मिचल स्टार्क्स डिलीवरी एंड इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर इन द फर्स्ट ट्रेनिंग एंड कुड नॉट बॉल एट द सेकेंड कहना चाहिए जा रहे हैं कि जो और हमारे लिए प्रॉब्लम वाला वो समस्या था ये था कि जो रविंद्र जडेजा हैं उनका जो थम्ब था उसमें प्रॉब्लम आ गई थी जो हिट किया गया था किसके द्वारा मिचल uh, मिचल स्टार के द्वारा डिलीवरी के दौरान और वो इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर हैं इन द फर्स्ट इनिंग्स है, है ना पहले इनिंग्स में अब कुड नॉट बॉल और वो बॉल नहीं कर सके एट ऑल इन द इन द सेकंड सेकंड इनिंग में वो बॉल ही नहीं कर पाए ऋषभ पंत जो ऋषभ पंत थे हिट ऑन द एल्बो बाय पैट क्यूविन जो पैट क्यूविन के डिलीवरी से हिट हुए उनको भी चोट आई एंड कुड नॉट टेक फील्ड फॉर फॉर ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग्स और ऑस्ट्रेलिया की जो सेकेंड इनिंग्स थी उसमें वो फील्डिंग भी नहीं कर पाए कहने का मतलब इंडिया की हालत बहुत खस्ता थी सब कुछ चीज़ें इंडिया के अगेंस्ट में थी कैसे थी फिर भी और आगे बता रहे हैं कि हनुमा बिहारी हैड पुल्ड हनुमा बिहारी ने क्या किया कि खींचा क्या मीन्स हैड पुल्ड मतलब उनमें खिंचाव आ गया कि इसका हैवस्टरिंग जो घुटने के पीछे पैर के जो पीछे घुटने में क्या होता है कि हेमस्ट्रिंग जो पांच नसें होती उनमें से एक नस क्या खिंच गई थी एंड वाज बेयरली एबल टू रन और बहुत ही मुश्किल से वो चल पा रहे थे इन ये सारी इंडिया के साम सामने ये प्रॉब्लम्स थी फिर भी क्या हुआ सो व्हेन ऑस्ट्रेलिया सेट ब्रूज्ड ऑस्ट्रेलिया ने क्या ब्रूज का मतलब एक तरह से धप्पा चोट के निशान बना दिए ब्रुज्ड का मतलब जो होता है कि जो चोट लगती है तो काला निशान पड़ने लगता है तो जब ऑस्ट्रेलिया ने सबको एकदम एक तरह से घायल कर दिया पैटर्ड एकदम ध्वस्त कर दिया कि इसको इंडिया को एट अ टारगेट ऑफ फोर हंड्रेड चार सौ सात के टारगेट पर एंड द होस्ट मे हैव एक्सपेक्टेड अ थम्पिंग विंग कि थम्पिंग विंग का मतलब थम्पिंग अ जबरदस्त ओवर वेलमिंग है ना कि क्या कर ऑस्ट्रेलिया ने एक्सपेक्ट किया था कि कर एक ज़बरदस्त तो उसकी विजय होगी वीन होगी है ना द इंस्टेंट बजाय ये हुआ दे गॉट अ फायरी और उनको मिला क्या इसके बदले में क्या मिला दे गॉट अ फायरी एकदम उग्र रूप में बेलिग्रेंट जो युद्धरत है जो लगातार एकदम प्रयास कर रहा था इनिंग्स फ्रॉम पंत पंत से मिली हु सरगड ऑफ हिज इंजरीज़ और सरग्ड ऑफ का मतलब होता है कि अनदेखा करना परवाह नहीं की किसकी इंजरीज़ की अपनी तो कहने का मतलब है, कि ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा खेला कल है ना और 97 की उन्होंने सतानवे रन की पारी खेली अगला बता रहे हैं एंड चेतेश्वर पुज चेतेश्वर पुजारा से एब्सल्यूट कॉम मतलब चेतेश्वर पुजारा ने एकदम शांति शांति से खेला क्लास वाला जो उनमें देखने को मिला एंड नेल बाइटिंग लेसन इन सर्वाइवल फ्रॉम रविचंद्रन है ना कि मतलब नेल बाइटिंग से एकदम नाखून चबाने कहने का मतलब बहुत ही एकदम हमको लेसन ले सकते थे वहाँ से बहुत ही अच्छा कहने का मतलब है अच्छा लेसन वहाँ से हम सर्वाइवल फ्रॉम रविचंद्रन कि रविचंद्रन की इतना ज़्यादा हिट हुई इतने ज़्यादा वो चोटिल थे कि अपने शू लेस नहीं बांध पा रहे थे है ना फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी पारी खेली अश्विन एंड लिंपिंग हनुमा विहारी लिंपिंग का मतलब जो एक तरह से उनको चोट लगी हुई थी चल नहीं पा रहे थे एक लंग, एक तरह से लंगड़े हो गए थे है ना कि हनुमा विहारी इन सब ने मिलकर क्या किया खेला है ना अश्विन एंड विहारी फेस्ड टू हंड्रेड फिफ्टी बॉल्स फ्रॉम वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलिंग अटैक्स इन द रिसेंट मेमोरी अब तक की अभी हाल ही की अगर याद यादों में हम जाए अगर मेमोरी में जाए चीजों को अगर इंसिडेंट्स को रिकॉल करें तो वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलिंग जो हुई है ऑस्ट्रेलिया में हुई है अभी एक सौ बॉलें खेली गई दोनों ने मिलकर है, है के खेली हैं ना नेक्स्ट बोला गया जडेजा सेट पैडेड जडेजा बैठे थे कैसे सेट मीन्स पैडेड का पैडट का मतलब पैड एकदम पहने एकदम फिट बैठे थे एंड हिज हैंड स्ट्रैप्ड उनके हाथों में स्ट्रैपिंग लगी हुई थी मतलब एक तरह से जो आ, जो चोट वाला टेप लगता है वो लगा हुआ था नीडिंग हेल्प इवेंट टू पीला बनाना अगर उनको केल बनाना भी खाना होगा तो उसको छीलने के लिए पर्सन चाहिए होता था बट रेडी टू ज्वाइन द बैटल लेकिन वो तैयार थे किसके लिए बैटल को ज्वाइन करने के लिए है ना और मीन्स देयर वॉज अ ग्रिट ग्रिट का मतलब क्या था कि धैर्य पेशेंस था वहाँ पर क्या ग्रिट एंड फाइट इन द स्पेट्स है ना कि स्पेट्स का मतलब एक कुदाल होता है और स्पेट्स का मतलब हुकुम का एक पत्ता भी होता है ना जो ताश का पत्ता होता है वो तो कहने का मतलब एकदम फाइट एकदम गहरे में थी गड्ढे में थी लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग लड़े अ मैच वॉज saved और एक मैच को बचा लिया गया इट वॉज़ draw that वॉज बेटर दैन मैनी wins और एक ऐसा ड्रॉ था कि draw मैच था जिसमें जो कई सारी जो विक्ट्रीज थी उनसे बेहतर था अच्छा था है ना तो ये थी आज का हमारा न्यूज़ जो हमने डिस्कस किया ना? सो रिगार्डिंग न्यूज़पेपर को लेकर के तो हुआ क्या है इससे पूरा एनालिसिस क्या निकला कि इंडिया मीन्स काफ़ी बुरी स्थिति में थी और कई सारे मीन्स अच्छे इसके बैट्समैन नहीं थे बॉलर्स भी नहीं थे इसके जो रेगुलर टीम कैप्टन हुआ करता था वो भी नहीं था फिर भी मतलब सिचुएशन सारी अगेंस्ट थी सब कुछ ख, खिलाफ था फिर भी इंडियन टीम ने क्या किया अच्छा किया बहुत बेहतर किया जो नए डेब्यूटेंट आए थे है ना उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और एक बेहतर लेवल तक लेकर गए तो कहने का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि विजय होने से अच्छा है कि चीज़ें ड्रॉ हो जाएं मीन्स हारना ना हारना भी अच्छा रहता है अगर हम जीते नहीं तो हारे भी नहीं है ना ये कहना चाह रहे हैं तो ये था हमारा आज का न्यूज़ पेपर सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट डे